इनका ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके तो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जजिया कर लगाया था, जजिया कर। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। लेकिन साथ साथ ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखो क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या क्या गुड़ खिलाए जा रहे हैं, इनके कारनामों को तो देखो। अभी इन्होंने कहा है, जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी जनता के लिए योजना है, उन्होंने कहा कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे। कहा कैसे हटाएंगे, कहा जनता की संपत्ति का सर्वे कराएंगे और सर्वे करा करके तो बाप दादों की कमाई की संपत्ति होगी उस पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब उसमें से आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के फिर घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी होगा और किसी और देश से कोई घुसपैठी मुसलमान आया होगा उसको ये लोग बांटने का काम करेंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। बहन और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इनका ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर इसने तोड़ा, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर इसने क्षतिग्रस्त किया, मथुरा के मंदिर को क्षतिग्रस्त इसने किया और लगातार देश के अंदर हिंदुओं को अपमानित करने का ये काम करता था। लेकिन इसने हिंदुओं के धर्मांतरण करने के लिए जजिया कर लगाया था, जजिया कर। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और इसीलिए औरंगजेब, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने भाई की हत्या के बाद उसने फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। इसलिए कोई मुसलमान भी डर के मारे अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में अब लगता है कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जो आप लोगों पर वह वरासत टैक्स लगाने का प्रयास कर रहा है। क्या ये वरासत टैक्स देंगे क्या आप सपा और कांग्रेस को? बहन और भाइयों, ये नहीं देना चाहिए, कतई नहीं, विरोध होना चाहिए।